जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जय श्री पवार और मैं आज आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाई हूँ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर हम धनिया के खेत में आए हैं और यहाँ पे धनिया को पानी देना है और वहाँ पे वो कुछ फूट गया था, तो वहाँ से मैं भाग के आ गई क्योंकि उसे सही करना था। वो पानी उधर उधर जा रहा था लेकिन अभी मैंने वहाँ पे बंद कर देंगे और इसको पानी भरना है अभी। और जब धनिया को पानी भरते हैं तो धनिया बहुत फ्रेश हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर अभी सूरज की किरणें भी बहुत तेज़ होने लगी है और घर के जब घर जाते हैं तो उसके लिए भी मैं धनिया उखाड़ रही हूँ, क्योंकि से जाते टाइम खाने के लिए भी धनिया लेकर जाना है सब्जी के लिए। तो अभी से तोड़ के रख देती हूँ। फिर इतना फ्रेश और क्यूट सा धनिया मैंने अभी तोड़ लिया है और अभी से गीला हो गया है तो अच्छी मिट्टी लग गई उसे, तो अच्छे पानी में धो लेते हैं इसे भी। और इसी तरह से क्योंकि ये बहुत लंबा होता है पानी भरने में और तब तक बीच में बहुत सारा टाइम होता है और उस टाइम में बोर हो जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ हरकतें मुझे सोचती रहती है। कुछ ना कुछ काम थोड़ी आसपास के मैं कर लेती हूँ और कुछ काम नहीं होता है तो मुझे पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। अभी समर के डेज भी शुरू हो गए हैं, बहुत गर्मी बढ़ गई है तो पानी बहुत अच्छा लगता है। फिर और अभी ये भर गया तो उसे बंद कर देते हैं, दूसरा ओपन कर देते हैं। फिर इसी तरह से पूरा पानी भरना होता है और जाके भी देखना पड़ता है कि ये आखिरी तक पहुँचा है कि नहीं, नहीं तो एक बार सूखा रह जाए तो नेक्स्ट पानी तक बहुत मतलब वो सूख जाता है, इसीलिए वहाँ तक जाना पड़ता है। और जब तक हम पानी में रहते हैं तो मैं क्या कोई भी ऐसा ही करता है, बहुत मज़ा आता है ये पानी खेलने में। और जब पानी भरते हैं तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है और बहुत गर्म सा होता है और फिर बार बार करता है पानी अपने मुंह पे डाल लो ताकि थोड़ा सा सुकून मिले। हवा भी कभी कभी बहुत तेज़ हो जाती है तो कभी कभी बिल्कुल भी बंद हो जाती है, तो बहुत सूर्य की किरणें बहुत तेज़ लगती है। और अभी कड़क धूप हो गई है तो पानी अच्छा लगता है। फिर अभी थोड़ा ही बचा है पानी भरने का क्योंकि सुबह से आए थे और अभी लोड शेडिंग का टाइमिंग सुबह का है तो मैं ही भर देती हूँ तब। कितना होता है पानी? और फिर यहाँ से पाइप उखाड़ कर यहाँ पे थोड़ा सा पानी निकालना था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सूखा रह गया था। तो और फिर ऐसे पानी मज़ेदार देखने के बाद मेरा शैतानी दिमाग फिर घूम गया और पानी खेलने में मज़ा आता है तो करने लगी। और मेरे आसपास कोई भी नहीं था क्योंकि वो मुझे मुझ पर गुस्सा हो जाए, तो इसलिए मुझे गीला होना बहुत पसंद है। तो और अभी होली भी नज़दीक आ रही है तो थोड़ा सा ट्रायल ले लेते हैं ऐसा सोच के मैंने। और बहुत धूप से मैं परेशान भी हो चुकी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर ये पानी में खेलना। और इसमें पानी खेलते खेलते मैं पूरी की तरह से गीली हो चुकी थी तो फिर मैंने कोई गुस्सा ना करे मुझ पर इसलिए मैंने बंद कर दिया। और गीले कपड़ों के साथ भी धूप बहुत इतनी थी कि अच्छा लग रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी ठंड लगी या कुछ ऐसा हुआ, भी बहुत सुकून सा भी मिला। और फिर देखते हमारा वो भर गया था, अभी इसे बंद कर देते फिर दूसरा ओपन कर देंगे। इसी तरह से पानी भरने का काम शुरू रहता है बस। और ये पूरा खेत में जब पानी भरता है तो यही सब चलता है रूटीन, क्योंकि बहुत सारा लंबा आया बनाते हैं तो उसको टाइम लगता है, तब तक क्या करें, कहीं और जा भी नहीं सकते क्योंकि
पानी छोड़ के, क्योंकि अभी पानी बहुत कम हो चुके हैं बावड़ी में, तो ध्यान रखना पड़ता है कम पानी में। और ये हमारे खेत है ना, यहाँ पे ठिबक भी अच्छे से नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सब मिट्टी में, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब वाड़ू है, और ये पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, ज़्यादा दिनों तक तो नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे सब पहाड़ों पहाड़ी इलाका है। और ये गेहूँ भी बहुत अच्छे से आ चुका है, अभी थोड़े दिनों के बाद इसकी भी हम हार्वेस्टिंग करेंगे, तो वो भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर गीले होने के बाद बहुत सुकून से मैं खड़ी थी यहाँ पे, बस अभी अच्छा लग रहा था सब, तो फिर भी बहुत टाइम बचता है तो कुछ ना कुछ पानी में खेलने में लगे रहते हैं हम। और हर किसान जब वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बचपन बाकी है मुझ में अभी, सब बोलते हैं ऐसा। और फिर शाम के टाइम में गीले कपड़े चेंज करके यहाँ पे हमारे फार्म पर आ गई, और ये यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहा था, तो उसको यहाँ से मैंने भगा दिया। और फिर हमारे पहले बफेलो की मिल्किंग हो चुकी है, और अभी इसको मैं रखने जा रही हूँ दूध को बाल्टी, एक जगह पे हम इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे डाल देते हैं फिर, और फिर एक के बाद एक ऐसे सारे बफेलोस की मिल्किंग होती है, और इसे सीधा करके अभी यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि यही से कस्टमर आते हैं और दूध लेकर जाते हैं। तो बाड़ू भाव ने भी मेरी हेल्प कर दी ताकि हम इसमें दूध डाल सके, और छन्नी से छान के डालते हैं, क्योंकि ये बफेलोज होते हैं तो उनके बाल या कुछ कुछ कीड़ा वगैरह ना जाए, इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि इसे छन्नी से छान के डाले। और फिर इसको भी मैंने छोड़ दिया कालू को भी दूध पीने के लिए। उसका दूध पीने होने के बाद इसे कालू को यहाँ पे मैंने बांध दिया, और फिर कृष्णा को भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करना, वो भी आ जाता है खेलने में इसमें। और अभी यहाँ पे फिर से लॉकडाउन हो रहा है, तो फिर बहुत बोर होने वाला है, तो किसी के साथ मिलना जुलना तो है नहीं, बस यहीं पे। और ये हमारी नई मेहमान है, देखो कैसे कर रही है। अभी ये इसका 10वां महीना चल रहा है, बस 2-4 दिन में हमारे यहाँ पे गुड न्यूज़ आने वाली है, उसकी डिलीवरी 2-4 दिन में होने वाली है, तो अभी हम बहुत वेट कर रहे हैं नए मेहमान आने का। और इसको मैंने ये फुली डालने के लिए आप आ गए तो डालने ही नहीं देती है, बहुत बीच बीच में आती है, फिर उसको मुंह पे पटा कर फिर डाल देते हैं। और हमारा फैमिली मेंबर और एक बढ़ने वाला है, और बहुत क्यूट सा नन्ना मुन्ना सुनेगा, तो हम आपकी वो गर्ल्स होगी या बॉयज होगा ये भी हमें पता नहीं है, अभी ये सरप्राइज होगा सबके लिए। और अभी बफेलो मिल्किंग स्टार्ट करते हैं, अच्छे से दूध लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद मिल्किंग स्टार्ट करते हैं। अब आप रियल मिल्किंग की साउंड सुनिए। Someone has come here. Thank you.
और इसी तरह से मिल्किंग खत्म हो गए कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे देखो अभी नया गन्ना लाए खरीद लिया है, तो देखो कैसे यहाँ पे खा रहे सब, क्योंकि ये बहुत हरा हरा है और हरा हरा खाने में इन छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो देखो कैसे ताव मार रहे और इनको खुला छोड़ा है अभी, तो इन्हें आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।